नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। बचपन में जब हम छोटे होते थे, बच्चे होते थे, उस समय इस तरीके की कहानियां हम सुनते थे कि कोई बाबा होते हैं, वो ऐसे कुछ घुमा देते हैं, आपको सारे प्रश्न याद हो जाते हैं। फिर थोड़े और बड़े हुए तो सुना कि कुछ ऐसे बाबा होते हैं जिनके पास जाने से उस महिला को बच्चा हो जाता है जिसको सालों साल तक बच्चा नहीं होता। और अब फिर एक ऐसी कहानी सामने आई है मिर्ची बाबा की, जो महिलाओं को बच्चा कहिए कि उन्हें बच्चा देता था, अपनी दवाई से, अपनी घुट्टी से, अपनी विभूति से, और भी न जाने क्या क्या उसके पास था। दोस्तों आप पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप मेरे साथ पूरी वीडियो में बने रहिएगा और देखिएगा कि ऐसे बाबा लोग क्या करते हैं, महिलाओं को किस तरीके से ऐसे लोग बर्बाद कर देते हैं, और कुछ महिलाएं बोल्ड होती हैं। जिस महिला की मैं बात करने जा रही हूँ वो बोल्ड ही थी, इसीलिए इनका पर्दाफाश हुआ। और ये इतने बड़े बाबा हैं कि इन्हें बहुत बड़े बड़े नेताओं का भी संरक्षण प्राप्त है। एक रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ये जो वीडियो है इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा ताकि मैं भी ये समझ पाऊँ कि आप पूरी वीडियो देखते हैं, आप पूरी कहानी सुनते हैं, आप पूरी कहानी से गुजरते हैं कि नहीं, और फिर ऐसे ऐसे लोगों के बारे में आपकी क्या राय है। अच्छा, एक महिला 4 साल की शादीशुदा महिला होती है, वो कोई बच्चा नहीं हो रहा होता उसके घर में, जैसा कि हमारा सामाजिक ताना माना है, जिस महिला के बच्चा ना हो उसको ताने दिए जाते हैं, कोई उसे बाज कहता है, और इस महिला को घर के लोग ताने मारते थे। महिला काफ़ी परेशान थी, और इसी बीच एक दिन उसने मिर्ची बाबा की फोटो एक दीवार पे चस्पा देखी। फोटो पे लिखा हुआ था कि हम सबकी मुराद पूरी करने वाले बाबा हैं। मैं आपको बता दूं कि ऐसे बाबा लोगों के विज्ञापन भी अखबारों में छपते हैं, और एक बार तो मैंने एक बाबा का, मैं आपको ये कहानी रोक करके अपना अनुभव बता रही हूँ, एक बार तो मैंने ऐसे बाबा का स्टिंग ऑपरेशन भी किया। मैंने उसे कहा कि मेरे पति मुझको बहुत मारते हैं, उसे प्यार नहीं करते हैं और परेशान करते हैं, उसका किसी महिला के साथ अफेयर भी है। तमाम सारी मैंने कहानियां बना करके उनको विश्वास में लिया। उन्होंने मुझे कहा कि आप इस जगह पे आ जाइए, बस आपको केवल एक दिन देना है मुझे और आपकी सारी परेशानियों का हल हो जाएगा। मौके पे हम पहुँचते हैं, वहाँ पे एक शख्स बैठे होते हैं, लंबी दाढ़ी और न जाने क्या क्या वहाँ धुनी टाइप जल रहा था, मुझे वहाँ सांस भी नहीं आ रहा था। तो मैं अपने साथ फोटोग्राफर ले गई थी, और उसने भी हिडन कैमरा लगाया हुआ था। मैंने भी अपना जो मोबाइल था इस तरीके से रखा हुआ था कि बाबा को कुछ पता ना चले। और बात लंबी हो जाएगी, आप इन्हीं बाबा की मैं आपको कहानी सुनाती हूँ। उन बाबा का भी पर्दाफाश हो गया था इन नट सेल। तो मैं कह रही थी कि ऐसे जो बाबा होते हैं, वो नेता से लेकर मंत्री तक उनके सामने नतमस्तक रहते थे। जिस महिला
ने इन बाबा की तस्वीर दीवार पर लगी हुई देखी थी, इसीलिए बाबा के फोटो बैनर पर दिया हुआ जो नंबर था उस पर वो मुलाकात करने की सोचती है। जैसा कि मैंने भी अखबार में नंबर पढ़ के उन फर्जी बाबा से मुलाकात की। फिर क्या होता है, बाबा के पास वो औरत पहुंच जाती है, मुलाकात होती है, बात होती है। बाबा ने मंत्र और पूजा पाठ कराने की सलाह दी, साथ ही बबूत और साबुदाने की गोली दी और फिर उनको एक पर्टिकुलर समय दिया मिलने के लिए कि आप ये गोली खाइएगा और उसके बाद आप मेरे पास आइएगा। बबूत और गोली में नशे की दवाई पिला दी। इसके बाद जो स्टोरी निकल के आई वो मैं नहीं कह रही हूँ, वो स्टोरी उसकी FIR में लिखी हुई है। वो FIR कराती है और उस FIR के अनुसार जो उसका लबो लबाव है, बाबा के कहने पर वो उससे मिलने जाती है, यानी कि रिपोर्ट कराने वाली महिला। बाबा ने कमरे में बुलाया और भभूति और साबुदाने की गोली खाने को दी। उसे खाने के कुछ देर बाद ही उस महिला को चक्कर आने लगता है, बेहोश हो जाती है। बाबा उसको बिस्तर पे लेटा देते हैं, दरवाज़ा बंद कर देते हैं और फिर अपनी बाहों में उसे भर लेते हैं और फिर गंदी हरकतें करने लगते हैं। थोड़ी हिम्मत जुटा करके वो महिला बाबा को ऐसे धक्का देती है, लेकिन दवाई का नशा इतना ज़्यादा था कि वो बेबस थी, दोबारा धक्का उनको नहीं मार सकी, गिरा नहीं सकी, विरोध नहीं कर सकी और बेहोश हो गई। लेकिन जब उसको होश आया तो उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था, उसके शरीर में एक भी कपड़ा नहीं था और सामने बाबा जो है वो भी पूरी तरह से नग्न बैठे हुए थे। उस महिला ने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, वो शिकायत करूंगी मैं। ये उस महिला ने कहा कि मैं शिकायत करूंगी, ये उनकी FIR में लिखा हुआ है। बाबा बोला कि बच्चे पूजा पाठ से पैदा नहीं होते हैं, बच्चे इस चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला, जो मैंने किया है बच्चे तो वैसे ही पैदा होते हैं, तुझे एक गोल मटोल बच्चा पैदा होगा। और इस पर फिर वो चीखने लगी तो बाबा बोला कि जिससे शिकायत करनी है कर लो, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, क्योंकि मैं नागा बाबा हूँ, कोई नहीं मानेगा कि मैंने गलत काम किया है। दोस्तों ये मामला जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर का है। ग्वालियर पुलिस ने इस मिर्ची बाबा को 8 अगस्त की रात एक होटल से गिरफ्तार किया। इस हफ्सी बाबा पर 28 साल की युवति ने गलत काम करने का आरोप लगाया था और इस मामले में भोपाल के महिला थाने में FIR दर्ज हुई थी। इस मिर्ची बाबा को नागा बाबा भी कहते हैं और इस बाबा का तगड़ा जुगाड़ है बड़े बड़े नेताओं के साथ, मंत्रियों से भी सेटिंग है। सोशल मीडिया पे जब इनकी फोटो एक वायरल हुई तो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि कैसे कैसे मंत्रियों के साथ इनकी फोटो है, बड़े बड़े मंत्री। एक फोटो तो इनका गृहमंत्री जो है राजनाथ सिंह के साथ भी है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। खैर बहुत सारे मंत्री हैं, काफ़ी बड़ा भौकाल है इनका, खुद को हरिद्वार के पंचायती निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर भी घोषित कर चुके हैं। और पीड़ित जो महिला है रायसेन की रहने वाली है, महिला ने ग्वालियर के महिला थाने में अपने साथ गलत काम होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है और इसी महिला ने FIR में ये लिखवाया है कि उसकी उम्र 28 साल है, शादी को 4 साल हो चुके थे लेकिन कोई संतान नहीं थी, कई जगह वो झाड़ फूक करवा चुकी थी पर कोई फायदा नहीं हुआ। देखिए झाड़ फूक करवाया लेकिन किसी डॉक्टर के पास नहीं गई होंगी, ये डॉक्टर से ही तो इलाज हो सकता है, झाड़ फूक वाले करने पर करके क्या हो सकता है, यही होना था जो हुआ उसके बेचारी के साथ, कोई फायदा नहीं हुआ, परेशान थी। करीब एक महीना पहले की ये बात है, पड़ोस की महिलाओं ने बैरागानंद गिरी मिर्ची बाबा के बारे में बताया कि बड़े ज्ञानी हैं, वो बच्चा होने की दवा देते हैं, गांव की दीवारों पे उनके बैनर भी लगे हुए थे, उस पर एक नंबर भी है, आप चाहो तो उस पर बात कर लो। इस तरीके से वो बाबा के संपर्क में आती है, जिसके बाद बाबा ने बुला करके एक दिन उन्हें बच्चा देने के नाम पे गलत काम किया। मिर्ची बाबा की फोटो MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह से लेकर के कई कई नेताओं के साथ है।
और ये भी बात कही जाती है कि कमलनाथ सरकार में तो मिर्ची बाबा को राज्य मंत्री तक का दर्जा मिल चुका था। 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह को जीत दिलाने के लिए 5 क्विंटल लाल मिर्ची का हवन कराया गया था, हालांकि दिग्विजय सिंह हार गए थे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपसे कहानी शेयर की है, ये कहानी शेयर करने का मकसद ये था कि किसी महिला को अगर बच्चा नहीं पैदा हो रहा तो हस्बैंड वाइफ दोनों डॉक्टर के पास जाएं। आजकल एक से एक लेटेस्ट टेक्निक है, जिनके 15-15 साल तक बच्चे नहीं होते और जिन महिलाओं की महावारी तक खत्म हो जाती है, उन महिलाओं को भी डॉक्टर बच्चा दे देते हैं, मींस वो बच्चा पैदा करती हैं और दोनों के टेस्ट होते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, IVF है और भी तमाम सारी ऐसी टेक्निक हैं जिससे आपको बच्चा आपकी गोद में किलकारियां मार सकता है। लेकिन अगर आप सोचे कि कोई बाबा आपको आशीर्वाद दे दे या इस तरीके की दवाई दे दे जैसी इस महिला को दी थी, नशे नशे की दवाई, और उसके बाद फिर बाबा खुद ही गलत काम करके आपको बच्चा देने की कोशिश करें, यानी कि वो बाबा के दिमाग में शायद ये होगा कि इनके जो पति हैं वो इस काबिल नहीं है कि महिला को बच्चा दे सके, लिहाजा उन्होंने खुद ही पति वाला काम उस महिला के साथ कर लिया। और ये चीजें चलती रहती हैं, हर दौर में ऐसी चीजें चलती हैं, लेकिन इसके खिलाफ आवाज कोई नहीं उठाता। और ये जो औरत है जिसने ये आवाज उठाई है, ये वाकई में इसको सैल्यूट करती हूँ मैं। ऐसी महिलाओं की जरूरत है और ऐसी महिलाओं की कहानी आपके साथ शेयर करने की भी जरूरत है। दोस्तों, आपको मेरा ये कंटेंट कैसा लगा, आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।